क्या हो गया भाई? देश कर्ज में डूबा जा रहा है और ये साला पूछता है मेरे को कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। सामने से एक साइकिल से भारी उस पर बैठ के एक इंसान आ रहा है और मुझसे पूछेंगे। जो मैडम समझाती है ना उसको भाई क्या ही मजा आता है यार, मतलब बोले तो एकदम। दोस्तों आपका स्वागत है भरोसा न्यूज चैनल पर और हम आज बहुत ही पिछड़े हुए गांव में रिपोर्टिंग करने हैं वर्ल्ड आने वाले वर्ल्ड कप और चुनाव के बारे में कुछ पूछेंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी जानकारी है। कि पता तो होगा बहुत से लोगों को आजकल बहुत जानकारी मिलती रहती है। अरे भाई ए भाई चला जा भोसड़ी के। देखो यहाँ के बच्चे बच्चों को पता है भरोसा चैनल के बारे में, आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको आगे की और ताजा खबरें देते रहेंगे। तो चलो चलते हैं। आगे कुछ लोग काम करते दिख रहे तो उनसे हम पूछेंगे आगे के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में। दोस्त इधर आना। दोस्त तुम मैच देखते हो क्या? हाँ देखते हैं। तो इस साल वर्ल्ड कप में कौन जीतेगा? उसको क्यों मार रहे हो हमारे रिपोर्टर को क्यों मार रहे हो? क्या हो गया भाई? देश कर्ज में डूबा जा रहा है और ये साला पूछता है मेरे को कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, अब क्या बताऊँ इसको मैं? भाई हमारा काम है पूछना ऐसा, टीआरपी बढ़ती चैनल, टीआरपी बढ़ती तो हमारा क्या फायदा यहाँ? देश का युवा नौकरी भी पा रहा है तो सिर्फ छोकरी के लिए। क्या बात है सर, ये बात है, यहाँ पे एक भी युवा तरीके नहीं कर रहे। इन जैसे रिपोर्टर की वजह से तो हमारा देश पीछे चली गया है, सिर्फ इनको एक ही चीज दिखता है, टीआरपी। कैमरा मैन लेके आ जाते हैं बस स्टूडेंट के पास। युवा सर आगामी चुनाव के लिए आप क्या कहना, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बोलना चाहेंगे ना आगामी चुनाव के बारे में। अभी तो टाइम डेढ़ महीना टाइम है तो क्या हो गया अभी? तो आप वोट किसे दोगे? वोट के लिए तो मैं राष्ट्रीय युवा पार्टी मतलब युवा बेरोजगार पार्टी को ही चुनना चाहूंगा, क्योंकि जो युवा है उसमें बेरोजगार वाले उस पार्टी में उस युवा आएंगे जिससे रोजगार मिलेगा, जिससे रोजगार मिलेगा युवाओं को। आपसे बात करके अच्छा लगा। अब हम आगे कुछ पूछेंगे और कुछ युवा दिख रहे हैं। सामने से एक साइकिल से भारी उस पर बैठ के एक इंसान आ रहा है और मुझसे पूछेंगे कितना ब्रो आप व्हाट्सएप चलाते हो? नहीं व्हाट्सएप नहीं चलाते। इंस्टाग्राम? ये क्या होता है? किलोग्राम का भाई इंस्टाग्राम। और फेसबुक? फेसबुक हम बुक पढ़ते, फेसबुक नहीं देखते। तो आप क्या चलाते हो? हम तो साइकिल चलाते, हम जाइए उधर आपने रोक लिखी रहते। ऐसे ही कुछ सवाल था कि क्रिकेट खेलते हो? क्रिकेट बहुत दिनों का खेला नहीं पर अनुभव है। क्या जानते हो इसे? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होती है ना, पता है मेरे को। क्या करते? वो एक ही बॉल को 11 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ दौड़ के मारते हैं और एक क्या तो छोटा सा बॉक्सर रहता है उसमें डालने की कोशिश करते है। वाह काफी अच्छा अनुभव है आपका, आप शायद फुटबॉल की बात कर रहे। तो आगे से कुछ स्टूडेंट आ रहे तो उनसे पूछे कि क्या आजकल स्कूल में शिक्षा पढ़ाई कैसी हो रही है, जो जानकारी लेना बहुत जरूरी है आजकल के समाज के लिए। ब्रो हम भरोसा न्यूज चैनल से एक रिपोर्टर है। हाँ। तो हम ऐसे ही कुछ आपसे सवाल करेंगे स्कूल के बारे में, शिक्षा के बारे में। हाँ जी। तो आपकी स्कूल में पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई भाई एकदम खतरनाक हो रही है और जो मैडम समझाती है ना उसको भाई क्या ही मजा आता है यार, मतलब बोले तो एकदम रस भरी बात समझाती है एकदम। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो आपके बोलने से लगता है आप स्कूल में सिर्फ मौज मस्ती करने जाते हो? भाई यार आजकल पढ़ाई करने के लिए जाता ही कौन है? नहीं जाते, ऐसे टॉपर ऐसे थोड़ी बनते हैं आजकल, ऐसे ही नौकरी में नहीं जा रही युवा। तो भाई वो टॉपर अलग होते हैं, हम तो बैक बेंचर हैं। थैंक यू वॉचिंग द माई वीडियो। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करे और F4H कॉमेडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे।